नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। जेल में कैदियों के बीच झगड़े होने के किस्से लगातार सामने आ रहे हैं, मगर अब हिसार सेंटर जेल में कैदियों के दो गुटों में खूनी संघर्ष में एक कैदी की मौत हो गई, जिसमें फतेहबाद के गांव सारदेवाला का रहने वाला रविंदर मारा गया, जो रतिया थाना के NDPS के मुकदमा में सजा काट रहा था। जेल में हत्या होने के बाद कैदियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी बात यह है कि जेल में इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद आखिर इतनी बड़ी घटना किस तरह से घटी। वहीं अगर इस तरह का संघर्ष होने वाला था तो पुलिस को पहले से किसी तरह की जानकारी क्यों नहीं थी। जानकारी के अनुसार दो अन्य कैदी भी घायल हुए हैं, इसमें कुंदल गांव का हरजीत तो दूसरा पंजाब के बुढ़लाड़ा का निवासी तजेंद्र शामिल है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों ही चैन स्नैचिंग के मामले में दोषी हैं और 10 साल की सजा काट रहे हैं। वहीं मृतक रविंदर NDPS के केस में 15 साल की सजा काट रहा था। सुबह जब ये बैराक से निकल रहे थे तो करीब 10 से 12 कैदियों ने हमला बोल दिया। कैदियों के हाथों में तेजधार हथियार बताए जा रहे हैं। ऐसे में हथियार कहां से आए, ये भी बड़ा सवाल है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार NDPS के मामले में 15 साल की सजा काट रहा था मृतक रविंदर बच्ची गैंग का सदस्य था। उसके ऊपर विनोद पानू उर्फ काना गैंग के सदस्यों ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं हिसार जेल में कैदियों की आपसी झड़प में एक कैदी की मौत पर परिजनों ने जेल में कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। परिजनों ने कहा कि यदि जेल में कोई सुरक्षा नहीं है तो फिर क्यों ना जज द्वारा सीधे ही फांसी की सजा सुना दी जाए। परिजनों ने जेल प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में पूर्ण जांच होनी चाहिए, सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। जी सर, बताइए क्या मामला? रविंद्र कुमार की जी सुबह 6:30 बजे हिसार जेल में एक्सपायर हो गया था। यहाँ ये बच्ची गेम है, गैंग है कोई बोना का जी, उन्होंने कुछ चोटे चूटे मारी हैं। ये 8-9 चाकू लगे हैं उनके। हमें तो 12:40 पे खबर मिली है जी, आपके लड़के को कोई चोट लगी जी, भी आप हिसार पहुँचो। हम अग्रवा के पास पहुँचे, फिर पता लगा जी हमारे पास न्यूज आ रही थी कि आपका तो लड़का एक्सपायर हो गया जी। यही बात आके हमने हॉस्पिटल में पूछी है भी ये उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो अंदर का प्रशासन है क्या कर रहा है ये, इनको ये प्रशासन ही नहीं काम सही कर रहा। फिर जेल में जो जज साहब है वैसे ही सज़ा दे दें, मौत की सज़ा दे दें, जा तेरे को यही आदमी मारने हैं, बच्चे मारने हैं, तो वहीं जज साहब ही जेल में वहाँ दे दें। हम प्रशासन से यही मांग कर चाहते हैं भी इनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। अंदर किस मामले में? ये NDPS में था जी, 15 साल की सज़ा हो रही थी जी। 22/3/2016 को ये पकड़ा गया था जी। ये चन्नी है जी, एक अलीका का वो काम करता था, इसके साथ पीने के लिए चला गया, इसके साथ ही चन्नी ने, ये चन्नी का गैंग है जी सारा जी। ये बची गैंग जो है चरणजीत चन्नी का, ये अलीके वालों का, इन्होंने लड़का हमारा मरवाया जी। इनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जी। आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम आप कार्रवाई चाहते हैं भी इनसे, इनके खिलाफ़ पर्चा दर्ज करा जाए, जितने भी आदमी हैं। ये 20 आदमी बता रहे हैं, 20 आदमियों ने चोटें लगाई हैं, मारे हैं इनको। ये तो 7 आदमी बता रहे हैं, 6-7 आदमियों के नाम हैं। बाकी भी प्रशासन को भी अंदर पता होगा भी ये लड़ाई हुई है अंदर, भी किस लिए हुई है लड़ाई, ये तो हमें आप बताया नहीं उन्होंने भी, ये इसलिए लड़ाई हुई है अंदर। डेड बॉडी पोस्टमार्टम करवाएंगे हम, लेके चले जाएंगे। हमें तो यही मांग करते हैं भाई इनसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपका नाम क्या? रविंद्र कुमार जी। क्या इनके मामा जी लगता हूँ। बताइए इस मामले के ऊपर क्या है? आज हमें सूचना मिली थी कि इस तरह जेल में रविंद्र नाम का सजायाफ्ता कैदी है और उसके साथ दो और मुलजिम थे, हरजिंदर और तलविंदर। उनके ऊपर किसी अंदर जेल के कैदियों ने कराया है कोई हमला कर दिया है, जिसमें रविंदर की डेथ होने की सूचना मिली और कार्रवाई चल रही है अभी, अंडर इन्वेस्टिगेशन मामला है, जो भी बात होगी आपको बताएंगे। हाँ, इसमें FIR दर्ज हो गई है अंडर सेक्शन 302। ठीक है, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।